हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो है ये बताऊंगा कि जो हमारी मेन स्क्रीन होती है, जब हम मशीन को ऑन करेंगे तो मशीन को ऑन करने के बाद जो है हमारे सामने एक मेन स्क्रीन पे काफ़ी सारी डिटेल होती है हमारी स्क्रीन पे। तो वहाँ पर क्या होता है, पार्ट काउंट्स होता है हमारा, मशीन का रन टाइम होता है आपका, ठीक है, ड्राई रन होता है वहाँ पर, कटिंग स्पीड होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें जो है मैं थोड़ा सा आपको जो एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस पर क्या क्या डिटेल है, ये क्या डाटा है और इसको हम कैसे कैसे हम इसे चेंज करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये देखिए मेन स्क्रीन हमारी आ चुकी है। इस मेन स्क्रीन पे देखिए आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट पोजिशन। ये हमारी मशीन की जो है अपनी जो खुद की जो पोजिशन है वो पोजिशन यहाँ शो कर रहा है एब्सोल्यूट में, ये ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ O000, तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम का नंबर लिखा होना चाहिए था। जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो यहाँ पे प्रोग्राम का नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, कौन सा प्रोग्राम ये हमारा है। दूसरा, ये एन जो लिखा हुआ है ये क्या है, सीक्वेंस नंबर है। अब ये सीक्वेंस नंबर क्या है कि जब हम प्रोग्राम बनाते थे तो प्रोग्राम में आपने देखा था कि हर प्रोग्राम में हम सिक्वेंस लिखेंगे N1, N2, N3, N4। तो जब आपका प्रोग्राम रन होगा, जब आपकी मशीन चलेगी, तो उस समय जो सिक्वेंस आपका चल रहा होगा वो सिक्वेंस भी यहाँ पे उस समय चलते हुए कंडीशन में आएगा। तो लेकिन उस समय क्या है, मशीन आपकी चलेगी तब आएगा। अभी क्या है, मशीन हमारी बंद है इसलिए यहाँ पे कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू दिखा रहा है, जेड की वैल्यू दिखा रही है, और देखिए ये आ रहा है यहाँ पे पार्ट्स काउंट, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा दूं इसे, ये देखिए ये आ रहा है हमारा क्या, पार्ट्स काउंट। पार्ट्स काउंट मतलब हमारे कितने पीस, हमारे कितने कंपोनेंट इस मशीन पे बन चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2950, तो आप देख पाएंगे, थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है पार्ट्स काउंट 2950। अब मान लीजिए सपोज ये पीस मैंने बना रखे 2950, अब मैं कोई नया बैच या कोई नया लॉट बनाना चाहता हूं, या किसी और भी दूसरे वजह से मैं इस काउंट को बदलना चाहता हूं कि नहीं यार पार्ट काउंट को जो है हमें बदल दो, हम एक नए सिरे से बनाते हैं, या हमें इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, इस कंपोनेंट की जो काउंटिंग जो है इसको हम 2950 की जगह 6000 कर देते हैं। तो 6000 करने के लिए क्या होगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि पार्ट काउंट को हम चेंज कैसे करेंगे। ये देखिए पार्ट काउंट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो ब्लिंक हो रहा है ये बटन, आपको MDI मोड में जाना होगा। MDI में हम चले गए, ये MDI सेलेक्ट करोगे सबसे पहले। फिर सेकेंड क्या करना है आपको, आपको जाना ये ऑफसेट जो देख रहे हैं ये वाला की, आपको ये की दबाना है तो आपकी स्क्रीन आएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को, ये देखिए अभी ऑफसेट वाली की थी, अब मैं इस की को दबाऊंगा तो देखिए स्क्रीन आपकी चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ये देखिए स्क्रीन आपकी चेंज हो गई, ठीक है ना। इसको आप मल्टीपल दबाएंगे ना, अलग अलग स्क्रीन आएगी इसे सेम बटन से, ध्यान रखिए ऑफसेट वाला की है ये। इसको मैंने दबाया तो ये की आया, ये आया, ये स्क्रीन आई, फिर ये आपका ये दोबारा क्या है, आपका ये फिर स्क्रीन ये वाला आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, आपका पैरामीटर राइट आपको क्या है, ये इनेबल हो रखा है, ये अगर इनेबल है तो ठीक है, नहीं है तो इसे कर लीजिए आप, ठीक है। अगर इनेबल नहीं भी होगा तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे आपका। और इसके बाद क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे चल के जो है देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आ गया आपका पार्ट काउंट, ठीक है। ये 2950 है, हम यहाँ जो भी वैल्यू डालेंगे पार्ट काउंट हमारा मेन स्क्रीन पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस काउंट को आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। मान लो मैं 2950 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस 2950 को मैं यहाँ इस 2950 को मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 2950 को क्या करूंगा, मैं कर लेता हूँ 6000, तो मैं गया यहाँ पे 6000, ठीक है ना, 6000 टाइप कर दिया है मैंने। तो ये देखिए स्क्रीन पे यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ गया आपका 6000, ठीक है। तो इसे इनपुट भी करना होगा, ठीक है ना, लिखने के बाद। तो ये इनपुट की है हमारी, देख लीजिए आप। अब इस इनपुट को करेंगे तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा वैल्यू। मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये मैंने दबाया इनपुट तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पर डल जाएगी आपकी, ये देखिए, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या है कि आप जो है पार्ट काउंट को चेंज कर सकते हो जितनी भी वैल्यू आपको डालनी हो। दूसरा दोस्तों हम आते हैं किस चीज पे कि आप पार्ट्स काउंट के बाद जो है मान लीजिए ये 6000 क्वांटिटी हो गई है, अब मैं चाहता हूं कि इसकी क्वांटिटी को जो है जीरो कर दूं, कोई नया माल बनाना हो, कोई नया लॉट हो और इसकी स्टार्टिंग मुझे शुरुआत से करनी हो तो मुझे इसे जीरो करना है। तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो आपके 6000 की काउंटिंग है, देखिए ये 6000 की काउंटिंग को जीरो करना है मेरे को, ठीक है। तो अब जीरो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहीं से कर सकता हूं सिंपली इसे, मैं जाऊंगा ओपीआरटी के नीचे, दबाऊंगा सॉफ्ट की ओपीआरटी, फिर ये क्या है, ये लिखा है पीटीएस प्री, पीटीएस का मतलब क्या है, पार्ट्स प्रीसेट, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, पार्ट्स प्री को जो है मैं पीटीएस प्री को नीचे वाले बटन को दबा दूंगा, ठीक है। पीटीएस प्री को दबाने के बाद देखिए ये पार्ट्स काउंट आपका ब्लिंक करने लगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए एग्जीक्यूट के जो नीचे का किया इसको दबाऊंगा, तो ये देखिए ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी हो जाएगी जीरो, देखिए मैं दबा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको शून्य करना है पार्ट काउंट को तो आप सीधे यहीं से आप शून्य से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए हम तीसरा हमारा क्या आएगा यहाँ पे, तीसरा देखिए यहाँ पे एक आ रहा रन टाइम, ये रन टाइम क्या है दोस्तों, ये लिखा हुआ है 52H मतलब आवर्स घंटा, 52 52 M4 मिनट, 52 आवर्स 52 मिनट चल रहा है ये हमारा। अब हम चाहते हैं कि इसको भी जीरो कर दें, जैसे कि कई बार क्या होता है मशीन पे हमें ये देखना होता है कि एक दिन में हमारी मशीन कितने घंटे चली रही है, या एक महीने में कितने घंटे चली है, या एक साल में कितने घंटे चली है। तो उसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, महीने में एक बार या दो बार या जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से इसे हमें शून्य करना होता है, जीरो कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी मशीन आज कितनी चली है या एक महीने में कितनी चली है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए देखिए यहाँ पे बटन लिखा हुआ है रन प्री, रन मतलब आपका रन टाइम हो गया, ठीक है ना। तो रन प्री को क्या करना है, रन प्री सेट वाले बटन के नीचे को आप दबा देंगे रन प्री, ठीक है। ये हमने दबा दिया तो आप देखिए आपका ये रन टाइम जो है ये आपका ब्लिंक करने लगा यहाँ पे, अब ये ब्लिंक होने लगा, इसको हम क्या करेंगे एग्जीक्यूट के नीचे का सॉफ्ट की दबा देंगे ये वाला, ठीक है। देखिये ये किए, इसको मैं दबाऊंगा तो ये भी मेरा शून्य हो जाएगा, ठीक है। जीरो आवर जीरो मिनट हो गया हमारा। अब हम यहां से मशीन चलाएंगे, अब हमें ये पता रहेगा कि हमने फलाना फलाना दिन जो है इस टाइम पे हमने चेंज किया था और अब तब से लेके अभी तक में हमारी मशीन कितने घंटे चली है, ठीक है दोस्तों। अब नीचे देखेंगे ये लिखा हुआ है ACTF एक्चुअल फीड रेट, फीड रेट मैंने बताया था किसे कहते हैं, फीड रेट इज द स्पीड ऑफ द टूल मूवमेंट, जो टूल के जो चलने की जो स्पीड होती है वो यहाँ पे आती है, तो वो यहाँ पे किस में दिखा रही है, एमएम पर मिनट में चल रही है ये। तो इसमें होता है कि एक्चुअल में जब हमारी मशीन चलेगी ना उस समय यहाँ पे ये वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि प्रोग्राम में हम जो फीड लिखेंगे वही फीड वहां पे चलते समय यहाँ पे आपको शो होगा। तो इस समय मशीन रुकी हुई है इसलिए आपको ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है एस एक्ट, ये क्या है, इसमें आपका जो है ना ये आपका आरपीएम दिखाई देता है यहाँ पे कि आपका आरपीएम इस समय कितना घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका आरपीएम दिखाई देगा, स्पेंडल कितना घूम रहा है, अभी स्पेंडल घूम नहीं रहा है इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है ना, आप कोई भी जो है इसको आपको हमने समझा दिया, इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे स्क्रीन को आप देख लीजिए, यहाँ पे यही दिखाएगा कि ये हमारी स्पेंडल स्पीड दिखाएगी, ठीक है, और ये हमारा दिखाएगा जो हमारी टूल के चलने की स्पीड है। अभी ये बंद इसलिए, रुका हुआ इसलिए क्योंकि मशीन हमारी चल नहीं रही है, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके हैं पार्ट्स काउंट कैसे चेंज करेंगे अपना हम, और ये रन टाइम हमारा क्या है। इसमें एक चीज आप यहाँ पे और देखेंगे, ये आपका आता है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम का मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट को बनने में कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। तो आपका जितना भी टाइम आ रहा होगा, अगर घंटों में होगा तो यहाँ पे एच के पावर टाइम आएगा, मिनट में होगा तो यहाँ टाइम आएगा, एस मतलब सेकंड्स में। तो यहाँ पे क्या है, एक कंपोनेंट को जो बनने में टाइम आ रहा है वो आपका साइकिल टाइम होता है, ओके दोस्तों। तो और ये रन टाइम क्या है, ये टोटल टाइम है मशीन का चलने का। और पार्ट्स काउंट क्या है दोस्तों, कि जो हमारी क्वांटिटी मशीन पे जो बन रही है वो है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्क्रीन पे जो ये वैल्यू आ रही है इस वैल्यू का क्या मतलब है। तो आपको पार्ट काउंट कब चेंज करना है, जब आपको काउंटिंग को नए सिरे से आपको चालू कर दे हो, या आपको कोई वैल्यू डालनी है कि हमारे पास 3000 पीस बने पड़े हैं तो 3000 की वैल्यू यहाँ पर जाके हम जाके डाल देंगे, ठीक है। और पार्ट काउंट को जीरो कैसे करना वो भी आपने सीख लिया यहाँ पे।
ओके, रन टाइम कैसे, इसको कैसे शून्य करना, कैसे जीरो करना, वो भी आपने सीख लिया यहाँ पे, ठीक है। टूल की स्पीड यहाँ आपकी शो हो रही है कि टूल की क्या स्पीड है हमारे टूल के चलने की, और हमारा स्पैंडल कितना घूम रहा है। तो जब ये वैल्यू, जब हमारी मशीन चलती है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे आपको चेंज होते हुए नज़र आती है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑपरेटर, जो भाई लोग हैं हमारे, उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।